सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज व्लॉग है वो भी चैलेंज में। सो गाइस, आपको भी मुझे समझ नहीं आया। सो गाइस, इसमें आज हम चैलेंज करने वाले हैं अपनी सिस्टर के साथ रक्षाबंधन का स्पेशल। जैसे कि आप जानते हैं, आज रक्षाबंधन है। सो गाइस, अभी मैं राखी भी बनवा चुका हूँ अपनी सिस्टर से, जो कि है बेस्ट ब्रदर। सो गाइस, अब गिफ्ट देने की बारी आती है, बट गिफ्ट मेरे पास बहुत एक्सपेंसिव है। सो गाइस, मेरे पास गिफ्ट्स हैं। सो गाइस, अब मैं नायशा को गिफ्ट देने वाला हूँ। सो नायशा को अभी पता नहीं है, एक्चुअली फ़ोन मेरा है ट्राइपॉड स्टैंड पे। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो जो मैं गिफ्ट्स लाया हूँ। सो पहले नायशा को बुलाते हैं गाइस, एंड फिर करते हैं। नायशा कम है या नायशा कम है? सो गाइस, अब नायशा भी आ चुकी है। से हेलो टू एवरीवन। सो गाइस, यहाँ पर है पूरा पैक जिसमें हमारे गिफ्ट्स। अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ जब मैं ट्राइपॉड उठाऊंगा। तो गाइस, इसके अंदर है बहुत सारे एक्सपेंसिव और चीप भी, मतलब दोनों तरफ से हैं, सस्ते भी और महंगे भी गिफ्ट्स हैं। एंड गाइस, इवन लास्ट के लिए इनके पास बहुत बिग सरप्राइज है। एंड गाइस, वो गिफ्ट है, बट मैंने सब कुछ कवर कर रखा है। आपको अगर ऐसे तो पता चल जाएगा भाई, सब कुछ कवर है, वो भी रैपिंग में। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से मेरे साथ गिफ्ट है। एंड गाइस, ये आज सुबह से गेस करने लग रही है कि इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बट गाइस बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। मुझे मतलब एक जो आपको दिखाई थी पतली सी बुक, वो बुक मुझे लगी ड्राइंग बुक है या फिर स्टोरी बुक है या फिर हिंदी बुक। बट गाइस, ये बिल्कुल गलत है। ये ना कोई स्टोरी बुक है ना कोई ये ड्राइंग बुक है। हाँ, ड्राइंग बुक है, बट एक्सपेंसिव है, 2-in-1 है। मैं थोड़ा बहुत हिंट दूंगा। तो गाइस, आज हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमारे गिफ्ट्स हैं, चलो गिफ्ट्स को साइड में रखते हैं। तो गाइस, आज हम ये करने वाले हैं कि हम नायशा को कहेंगे, मतलब हम जगह जगह पर गिफ्ट छुपा देंगे, एंड नायशा को हम यहाँ पे खड़ा कर देंगे, जिससे कि एंड डोर क्लोज कर देंगे, जिससे कि नायशा को पता ना चले कि मैंने कहाँ पर गिफ्ट छुपाए हैं। तो गाइस, एज यू कैन सी ऑन थंबनेल, सो लेट्स स्टार्ट। एंड गाइस, इसमें ट्विस्ट भी है। सो गाइस, ट्विस्ट ये है, ट्विस्ट रखा जाएगा। सो गाइस, ट्विस्ट में ये है कि गाइस हमें छुपाने हैं, ओके छुपाएंगे तो है, बट गाइस नायशा को हम जरा सा हिंट देंगे कि मानो मैंने छुपाया है गिफ्ट इस रैक में। सो गाइस, मैं नायशा को ये हिंट दूंगा कि नायशा कौन सी रैक है जहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस रखा जाता है। तो उसको नायशा को मिलेंगे 30 seconds। अगर हाँ, नायशा ने 30 seconds में गिफ्ट ढूंढ लिया, सो गाइस वो गिफ्ट इनका। एंड गाइस, जो नहीं हुआ वो लास्ट में देखते हैं, नहीं वो लास्ट में देखते वीडियो के। अगर पब्लिक ज़्यादा लाइक और एम करेगी तो ऐसी वीडियो हम नेक्स्ट भी बनाएंगे। सो गाइस, लेट्स गो। यस गाइस, सो गाइस, अब नायशा का बर्थडे भी बहुत नियर आता जा रहा है, अक्टूबर में है। सो गाइस, उसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए, उसके लिए हम आपको वीडियो दिखाएंगे। बट गाइस, अभी क्रिसमस बहुत दूर है, सर्दियों में आता है वो, विंटर्स में आता है। सो गाइस, अब हम दिखाते हैं। अभी मैं आपको बाहर बाहर से गिफ्ट्स की पैकेजिंग दिखा देता हूँ। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस, अभी मैं इसको सेट करता हूँ, एंड गाइस आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी मैंने गिफ्ट सेटअप कर चुका हूँ। गाइस, एक ये है, एंड ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है, एंड ये फोर्थ। गाइस, ये स्पेशल गिफ्ट है, ये इसमें कोई पैकेजिंग नहीं है, ये क्योंकि नायशा के लिए स्पेशल था, एंड ये इसकी सिस्टर ने दिया है। सो मैंने सोचा इसको भी हम गिफ्ट में ऐड कर लेते हैं। एंड इसकी ये बहुत क्लोज सिस्टर, मतलब कि मेरी कज़न सिस्टर ने दिया है नायशा को रक्षाबंधन पे, एंड ब्रदर ने। सो उन दोनों ने ये मिलके दिया अपनी पॉकेट मनी से। एंड गाइस, रियली बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा भेजा। एंड गाइस, हमने भी दिया उनको बहुत अच्छा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। एंड गाइस, यहाँ पे है दो गिफ्ट्स एक साथ मैंने अटैच करे हुए हैं, क्योंकि गाइस ये है तो एक ही गिफ्ट, बट गाइस ये है क्वांटिटी 2 में। एंड गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट है, ये गैस मुश्किल कर सकते हो आप। गाइस, एक ये है, ओके गाइस, एंड ये है। एंड गाइस, इसको तो कोई गैस ही नहीं कर सकता, बहुत पतला है। गाइस, कल से नायशा ये कह रही है पक्का इसमें होगी कलरिंग बुक। मैंने कहा कलरिंग बुक बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। सो गाइस, अब मैं इनको छुपाता हूँ, एंड आपको
आएंगे बट आई हैव लाइक नॉट आइडिया, बट मुझे लग रहा है कि ये कुछ स्पेशल आएंगे, बट आई हैव लाइक नथिंग। मुझे सच्ची में मन कर रहा है कि मैं गिफ्ट को खोल लूँ उसे बिना चॉइस करे एंड बिना ट्विस्ट ट्विस्ट करे, एंड इतना मन कर रहा है। मैंने रात से कुछ भी गिफ्ट नहीं पहचाने, पर मुझे लग रहा है कि उसमें स्टोरी बुक ही होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो अभी वो है, अभी वो गिफ्ट छुपाने गए हैं एंड मैं आपको 5 मिनट्स के बाद मिलती हूँ। ओके सो गाइस, अभी मैं छुपा चुका हूँ सारे गिफ्ट्स एंड गाइस अब मैं बुलाने जा रहा हूँ नायशा को। सो गाइस लेट्स कॉल हर। नायशा आ जाए। यस आई एम कमिंग। सो गाइस नायशा फाइनली आ चुकी है यहाँ पर, एंड गाइस यहाँ पे है हमारे पास टाइमर, एंड गाइस यहाँ पे मिलेंगे सिर्फ नायशा को 40 सेकेंड्स। मैंने बोला था 30 सेकेंड्स बट गाइस अब 40 सेकेंड्स हो गए हैं, क्योंकि गाइस ये हार्ड है प्लेसेस। गाइस थोड़ा बहुत हार्ड, थोड़ा बहुत सिंपल सो बनता है ये तो। सो गाइस अब करते हैं टाइमर स्टार्ट, एंड गाइस फर्स्ट गिफ्ट का हम हिंट देने वाले हैं नायशा को। सो देते हैं। सो नायशा फर्स्ट गिफ्ट का हिंट है वेट। सो गाइस नायशा के पास हिंट है कि जहाँ पर हमारी नोटबुक्स एंड बुक्स रखी रहती हैं, एंड गाइस यहाँ पे है टाइमर, एंड एज यू कैन सी गाइस आई थिंक क्लियर नहीं हो पा रहा। वेट गाइस ये क्लियर होता है। यस गाइस गाइस अब मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। सो गाइस टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी। सो गाइस नायशा जाती हुए पूरी रैक चेक करते हुए सारी जगह चेक करना पड़ेगा नायशा। गाइस नीचे को भी चेक करो अच्छे से, साइड में। सो गाइस टाइमर में 27 सेकंड्स, एंड गाइस नायशा जीत चुकी है 29 सेकंड्स में ये चैलेंज का फर्स्ट पार्ट। गाइस 29 सेकंड्स आई एम ओपन इट, एंड गाइस अब नायशा ओपन करेंगी एंड बताएंगे क्या है। वेट अभी ओपन नहीं करना, अभी पहले आप बैठो। सो गाइस अभी मैंने कुछ 2-4 गिफ्ट छुपाए थे। आई एम ओपन इट। यस वेट। सो गाइस अभी अनबॉक्सिंग करते हुए नायशा, सो गाइस नायशा कर रही है अनबॉक्सिंग इस गिफ्ट की। बट गाइस ये बहुत एक्सपेंसिव है, आप कहोगे नॉर्मल कलरिंग बुक। नायशा अच्छे से खोलो एंड फिर सबको दिखाओ कि क्या है इसके अंदर। कलरिंग स्पाइडरमैन एंड बीच का तो दिखाओ, यहाँ पे रखो, यहाँ पे सबको तो दिखे। स्ट्रॉबेरी ये वाला, मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता है। आंट से स्पाइडर से। एंड गाइस अभी खोलेगी तो इसको एक एक्सपेंसिव चीज और दिखेगी। ओके थोड़ा खोलो और खोलो। स्टिकर। सो गाइस नायशा फाइनली गेस कर चुकी है, 2-in-1 नोटबुक है, इसमें स्टिकर्स हैं गाइस। ओके हम इसे लगा भी सकते हैं कहीं। यस आप इसको निकाल के कहीं भी लगा सकते हैं। सो गाइस ये था नायशा का फर्स्ट गिफ्ट। सो नायशा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि कैमरे के पास देख के बोलो, कैमरे के पास, क्योंकि इसमें ये मुझे गर्ल्स बहुत पसंद आई, क्योंकि इसमें ये वाला पिक्चर मुझे सबसे पसंद आया। ओके सो गाइस अब बढ़ते अपने सेकंड राउंड की तरफ। तो गाइस अपने सेकंड राउंड अब देते हैं नायशा को हिंट, क्योंकि गाइस मैंने 4 गिफ्ट फाइनली छुपा चुका था। सो गाइस नायशा का फीडबैक ये है कि उनको कैसा लगा, एक बार और बताया सारी ऑडियंस को। बहुत अच्छा लगा, बहुत। और आप इतने सारे कमेंट्स करते हो, थैंक यू सो मच। एंड गाइस इस वीडियो पे मैं एम रखता हूँ लाइक्स का, 1 लाख लाइक्स। गाइस 1 लाख भी कम है, अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ ओनली 2K लाइक्स मैक्सिमम। ओके गाइस तो इस आपको इस वीडियो पे करने 2K लाइक्स, एंड गाइस मैं एम रखता हूँ 1 मिलियन, आप जल्दी से जल्दी मेरे करवाओगे। एंड गाइस अभी के लिए तो आप मुझे 1K तक ही पहुँचा दो। सो गाइस अब नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस अब सेकंड गिफ्ट का हिंट है कि नायशा को जहाँ पर इसी एरिया में जहाँ पे नायशा खड़ी है गाइस, इस एरिया में कहीं पर भी हो सकता है गिफ्ट, ऊपर एरिया में गाइस कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे। गाइस यहाँ पे नायशा को ढूंढना है, मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ, और गाइस इसमें सिर्फ नायशा को मिलते हैं ओनली 20 सेकंड्स। ओके गाइस मैं मजाक कर रहा था, 40 सेकंड्स का कुछ नहीं था, 30 सेकंड्स का था, क्योंकि नायशा को चाहिए था टारगेट। तो नायशा कहती थी मुझे, नायशा ने मुझे कहा था कि एक मुझे इनोवेशन मिल जाए 40 सेकंड्स का, तो वो अच्छा रहेगा फर्स्ट गिफ्ट में, सो मैं ढूंढ पाऊंगी। सो गाइस अब चलते हैं।
सो गाइज अभी के लिए नायशा को पता चल चुका है कि वो कहाँ पे था। सो गिफ्ट गाइज यहीं रखा हुआ था, वो भी इस बॉक्स के नीचे है। सो गाइज मैंने अब उसको दोबारा छुपा दिया, अब नायशा को दोबारा टारगेट नहीं होगा। नायशा आ जाइए, वापस आ जाइए। नायशा दोबारा आते हुए ग्राउंड में, एंड गाइज अब है प्लेस वो है यहाँ पर। ये है गाइज एक रूम, एंड रूम के पास है पिल्लोज। तो गाइज नायशा को ढूंढना है हर एक पिल्लो में कि कौन से पिल्लो में हो सकता है। तो गाइज मैं इसमें 20 नायशा को 30 सेकंड्स है सेम मिलेंगे। तो गाइज अब मैं करता हूँ स्टार्ट। ओह माय गॉड गाइज ये फर्स्ट में ही मिल गया। नायशा ने कंप्लीट कर दिया 5 सेकंड्स में। गाइज ये मैंने क्योंकि इजी रखा थोड़ा बहुत। अब गाइज नायशा को करनी है इसकी अनबॉक्सिंग्स और करवाते हैं नायशा। नायशा वेट वेट वेट। तो गाइज अब नायशा अनबॉक्स करते हुए क्या निकलेगा। नायशा वैसे वेट 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 फट जाएगा। अब नायशा से पहले पूछते हैं कि क्या निकल सकता है इसमें। इसमें स्टीकर का बिल्कुल नहीं है। सो गाइज अब अनबॉक्स करने देते हैं। लो कर लो, आराम से करना, ये खराब ना हो जाए, आराम से। सो गाइज नायशा को मिलता है। नायशा पहले ओपन करके देखती है। नायशा को अभी कुछ समझ नहीं आया गाइज क्या है इसके अंदर। एंड गाइस ये है ग्लू ड्रॉप। इसमें क्या होता है? इसमें गाइस हमें मिलता है यहाँ पे छोटी छोटी सी स्टिक्स रहती हैं ये वाली। इनको गाइस अगर आप कहीं पर भी पेस्ट करोगे तो ये सीन्स लाइक कि ये पेस्टिंग डबल टेप भी मान सकते हो गाइस इसको आप। सो इसलिए मैं इसके लिए लाया हूँ क्योंकि ये गाइस फेविकोल का मतलब जो पैक रहता है उसको लेके घूमती रहती है। मैंने कहा कि कुछ नया इन्वेंशन लिया जाए, कुछ नई टेक्नोलॉजी में जाके कुछ नया ट्राई करना चाहिए। सो गाइज उसमें 24 आती हैं। सो गाइज ये नायशा का था सेकंड गिफ्ट। सो नायशा आपको कैसा लगा इसको? बहुत अच्छा क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा काम का है और पढ़ाई का भी है। नहीं ये थोड़ा सा काम का कैसे है भैया, थोड़ा सा काम का कैसे है, इतना काम का ये फेविकोल का। गाइज नायशा ये लेके घूमती रहती है। सो गाइज मैं कहता हूँ कि मतलब ये इससे बढ़िया तो कुछ नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करा जाए, यूज़ करा जाए। सो गाइस मैं प्रेफर करता हूँ कि आप यूज़ करो। हाँ गाइस ये उसके लिए है मतलब कि स्टडी के लिए है। एंड गाइस वो थोड़ा शो ऑफ, एंड गाइस न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो गाइस इसलिए लाना पड़ा नायशा के लिए। एंड गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ। एंड गाइस थर्ड गिफ्ट थोड़ा सा स्टीप होने वाला है। सो गाइस अब नायशा को देते थोड़ा सा हिंट। एंड गाइस लेट्स स्टार्ट। सो गाइस अब नायशा की तरफ नेक्स्ट थर्ड गिफ्ट है। गाइस अब मूव करते हैं थर्ड गिफ्ट की तरफ। गाइस आई होप वो एक्सपेंसिव भी हो, चीप सा भी है, मतलब अच्छा गिफ्ट है। सो गाइस अब बोलते हैं नायशा को। सो गाइस नायशा आपके पास हिंट है कि यहाँ पर जो भी टेबल है, ये जो भी टेबल है यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। वेट 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 वेट, अभी कहीं नहीं झांकना है, कहीं नहीं झांकना है क्योंकि मुझे आपका इरादा पलटने वाला लग रहा है, जरूर लग रहा है। मुझे पता है पर मैंने देखा नहीं, पर मुझे पता है। सो गाइस अब नायशा आ चुकी है। गाइस यहाँ पे हमारा टाइमर ये विजिबल कम हो रहा है। अब टाइमर 1 गो। गाइस नायशा को पूरी टेबल पर ढूंढना है। एंड गाइस टाइमर चल चुका है अपना। गाइस इसको कहीं नहीं मिलने वाला है आई होप, क्योंकि गाइस ये हर चीज की तरफ। गाइस 12 सेकंड्स हो चुके हैं। गाइस ये जल्दी 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 जल्दी। सो गाइस नायशा जीत चुकी है अपना थर्ड गिफ्ट, और वो भी 19 सेकंड 33। गाइस ये आई होप इसको पसंद आए। एंड गाइस दिखाते हैं अब क्या इसको मिला है। नायशा कम, नायशा गाइस अभी वो बहुत एक्साइटेड हो रही है। सो इसलिए वो हर चीज़ जगह चेक करेगी कहीं इसने वहाँ पे तो नहीं छुपाया। बट गाइस मैंने अलग अलग प्लेस चूज करी है, यही नहीं कि मैंने वहीं पर छुपाया। सो गाइस अब नायशा से अनबॉक्स करवाते हैं। नायशा जल्दी आके अनबॉक्स करो। गाइस वो बहुत ही एक्साइटेड हो रही है। एंड गाइस प्लीज़ प्लीज़ यार फॉलो कर लो यार इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। मैं इतना वेट करता रहता हूँ, कोई फॉलो ही नहीं करता है, ना ट्विटर पे करता है ना इंस्टाग्राम पे करता है। डेट्स नॉट फेयर गाइस। एंड गाइस यूट्यूब पे जल्दी से जल्दी मेरे 1 मिलियन, बल्कि 1 मिलियन अभी बहुत दूर है, तो आप मेरे 1K करवा दो यार, बहुत बड़ी बात है। 1K या 2K तो यार मैक्सिमम करवा ही दो, धीरे धीरे फिर अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाते हैं, अपनी फैमिली बढ़ती जाती है। तो ऐसे आप नायशा से करवाते हैं अनबॉक्स। तो नायशा आप क्या गेस कर सकते हो? डायरी। तो कौन सी डायरी? सो गाइस नायशा कह रही है खाटू श्याम जी की या कन्हैया जी की। सो देखते हैं कौन सी निकलती है। सो नायशा अनबॉक्स करें, जो निकलेगी। इट्स हार्ड। नायशा यहाँ पे टेबल पे अनबॉक्स करो।
सर ये इसको नायशा को बहुत दिन से चाहिए थी कन्हैया और खाटू श्याम जी की डायरी, सो उसने सही गैस करा गाइस, ये सही निकला इनका गिफ्ट गाइस, ये बिल्कुल ये खाटू श्याम जी का मुझे बहुत पसंद है, ये तीर खाटू श्याम जी का तीर है, इट्स एंड गाइस हम बहुत पूजा करते हैं इसकी। यस।